आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया, आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। पीलीभीत में दो महिलाओं की आपस में मारपिटाई हो गई। बीच पेशाब करने गई लड़कियों में भी आपस में जमकर मारपिटाई हुई है। मारपिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। पहले भी कई बार दोनों पक्षों में मारपिटाई और झड़प हो चुकी है। झगड़े का सिलसिला लगातार जारी रहा। पूर्व में कई वीडियो वायरल हो चुके हैं। पीड़िता ने थाने पहुंचकर मामले की शिकायत की है। सदर कोतवाली इलाके के आवास विकास कॉलोनी स्थित काशीराम कॉलोनी का पूरा मामला। बस्ती जिले के गौर थाना पर उस समय हड़कंप मच गया जब दर्जनों की संख्या में किन्नरों ने थाने को घेर कर पुलिस हाय हाय के नारे लगा दिए। पीड़ित किन्नर सुमन ने बताया कि अमित नाम के युवक के साथ 8 साल से उसका संबंध था। अमित ने उसकी सारी कमाई अपने पास रखी और जब ये शिकायत लेकर वो थाने पहुंचे तो उनकी सुनवाई नहीं हुई है, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा परेशान है। लिखित शिकायत 13 जून को दी थी और कई धाराओं में मुकदमा दर्ज भी किया गया था। मुकदमा दर्ज होने के बाद भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने से किन्नरों का गुस्सा फूट पड़ा और दर्जनों की संख्या में किन्नरों ने गौर थाने का घेराव कर पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। गौर थाने में एक सुमन किन्नर है, उन्होंने ये मुकदमा पंजीकृत कराया था एक लड़के और उसके परिवार वालों के खिलाफ कि वो रात में जब वहाँ गए थे तो उसके लड़के और उसके परिवार वालों ने उसको पीटा है। इस संबंध में गौर थाने पर 308 का भी पंजीकृत किया गया। प्रथम दृष्टया दोनों जिस लड़के की बात हो रही है और सुमन किन्नर के बीच में पूर्व से पारस्परिक संबंध होने की बात चर्चा में, इसमें सभी बिंदुओं पर हम लोग जानकारी कर रहे हैं, शीघ्र इसमें कर रहे हैं। वीरभद्र रोड स्थित गली नंबर 3 में बच्चे को बचाने के दौरान गंगा में बही महिला का शव मंगलवार की सुबह बैराज जलाशय में दिखाई दिया। सूचना मिलते ही महिला के परिजनों और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। इससे पहले कि एसडीआरएफ शव को जलाशय से बाहर निकालती है अचानक बैराज के गेट खोल दिए गए, जिस वजह से महिला का शव जलाशय में गोते लगाता हुआ आंखों से ओझल हो गया। फिर भी एसडीआरएफ ने शव को तलाशने की कोशिश की मगर अभी तक शव का पता नहीं चल पाया है। ऐसे में महिला के परिजनों ने उत्तराखंड जल विद्युत परियोजना के अधिकारियों पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया। उनका कहना है कि जानबूझकर बैराज का गेट खोलकर परिजनों की परेशानियां बढ़ा दी गई हैं। परिजनों ने लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है। उससे 16 तारीख की बात है, ये शाम 5 बजे की, हमारी वाइफ वगैरह पूरे परिवार जो है वहाँ पे नहा था। गली का एक बच्चा थोड़ा सा आगे लहरों में आ गया, उसको बचाने के चक्कर में बच्चा तो किनारे आ गया, वो लहर में चली गई। अच्छा, उसके बाद सर जी डूब गई है और उसके बाद ढूंढने की बहुत प्रयास करा, अभी तक कर रहे हैं, 6-7 दिन हो गए हैं। आज जाके तुम्हारा 21 तारीख को बॉडी देखी है गेट नंबर 13 पे। तो सर हमने इनको बताई थी, यहाँ भीड़ भी था, उतने में ही इन्होंने पता नहीं क्या करा एकदम गेट खोल दिया 13 नंबर वाला। तो सर जी बॉडी नीचे चली गई है, अब ये कह रहे हैं कि हमने गेट जो है खाली 6 इंच ही खोला हुआ था। हरिद्वार के ट्रैवल एजेंट्स अधिक मुनाफा कमाने के लिए प्राइवेट वाहनों से तीर्थयात्रियों को यात्रा मार्ग पर भेज रहे हैं। ऐसा होने से जहां सरकार को टैक्स का नुकसान हो रहा है तो वहीं तीर्थयात्रियों की जान से भी खिलवाड़ कर रहे हैं। जिम्मेदार वैसे तो तमाम चेक पोस्ट पर चेकिंग का दावा करते हैं लेकिन तीर्थयात्रियों से भरे प्राइवेट वाहनों के पकड़े में नहीं आने से जिम्मेदारों की चेकिंग पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। मामला तब प्रकाश में आया जब 3 धाम के दर्शन कराने के बाद तीर्थयात्रियों से भरी एक कार हरिद्वार रोड पर हनुमान मंदिर के पास दूसरी कार से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। मामले बाद बढ़ा तो परत दर परत प्राइवेट वाहनों के यात्रा मार्ग पर घूम कर वापस आने की पोल खुल गई। खास बात यह है कि चेकिंग से बचने के लिए कार पर फर्जी तरीके से पुलिस भी लिखा हुआ दिखाई दे गया। सोनभद्र जिले में शादी समारोह में हर्ष फायरिंग के दौरान गोली लगने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। घटना के बाद कुछ लोग मृत व्यक्ति को लेकर जिला अस्पताल पहुंचे जहां डॉक्टर ने देखते हुए उसे मृत घोषित कर दिया, मौत की पुष्टि कर दी। इसके बाद शव लेकर अस्पताल पहुंचे लोग भी वहां से फरार हो गए। उधर डॉक्टर ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर इस पूरे मामले की छानबीन शुरू कर दी है। सर अब शादी में गए थे, रावशन में रहते थे, रूम लेकर के छुट्टी पर आर्मी में थे, छुट्टी पर घर आए थे। अब कौन मारा कैसे मारा शादी में, अभी तो पुलिस जांच करेगी तब बता सकती है। तो ये कहाँ शादी में आए थे? ये शादी में हम लोग को तो पुलिस वाले ही बता रहे हैं कि शादी में ये ब्रह्मनगर में है, आसपास वाटिका है, उसी शादी में गए थे। इनका कोई दोस्त है मनीष देशिया करके है, उसी की शादी में गए थे।
सड़कों पर महिला ने हाई वोल्टेज ड्रामा किया। पुलिस को महिला ने खरी खोटी सुनाई है। सड़क पर बैठी महिला ने परिजनों पर मारपीट के आरोप लगाए। मौके पर पहुंचे इलाका पुलिस और जिलाधिकारी एक ग्लास महिला को समझाने में जुटे रहे, लेकिन विफल साबित हुए। पुलिस का कहना है कि महिला का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। कोतवाली इगलास के कस्बा बेसवा की पूरी घटना। बस्तर जिले के सोनहा थाने की दुबौली में दर्दनाक सड़क हादसे में दो सगे भाइयों समेत तीन युवकों की मौत हो गई। मौत की सूचना के बाद परिवार में कोहराम मच गया। सोनहा थाना क्षेत्र के डुमरियागंज मार्ग पर दुबौली पड़ाव गांव के पास तेज रफ्तार पिकअप की चपेट में आकर मोटरसाइकिल सवार तीन युवकों की मौत हो गई। पिकअप चालक गंभीर रूप से घायल है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। आपको बता दें कि सोनहा थाना क्षेत्र के असनरा निवासी श्रवण कुमार मंगलवार की रात लगभग 10 बजे अपने छोटे भाई सुनील कुमार और अपने बुआ के लड़के के साथ रिश्तेदारी में सिद्धार्थनगर जनपद के डुमरियागंज थाना क्षेत्र के मुहावरा जा रहे थे। तभी दुबौली पड़ाव के निकट पहुंचते ही यह हादसा हो गया, जिसमें तीनों की जान चली गई। महाविद्यालय एसोसिएशन के बैनर तले उत्तर प्रदेश के सभी 75 जनपदों से आए हुए 1000 से अधिक महाविद्यालयों के माननीय प्रबंधकों का प्रथम वार्षिक अधिवेशन संपन्न हुआ। उक्त अधिवेशन दो चरणों में संपन्न हुआ। प्रथम चरण के मुख्य अतिथि माननीय श्री ब्रजेश पाठक, उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार उपस्थित रहे। लखनऊ में थाना चिन्हर पुलिस टीम द्वारा रुपए की चुनौती कर हत्या करने वाले दो शातिर अभियुक्तों को 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार किया गया। एडीसीपी एसएम कासिम आबद ने प्रेस वार्ता कर इस बात की जानकारी दी। गोंडा जिले के तरगबन थाना क्षेत्र के खोजनपुर परियावा गांव में उस वक्त हंगामा खड़ा हो गया जब जमीनी विवाद को लेकर दो पक्ष आमने सामने आ गए। इसी बीच एक दबंग युवक गोविंद शरण जसवाल ने अवैध असलाह निकालकर लहराया और यह भी आरोप है कि गोविंद ने अवैध असले से फायरिंग भी की। असलाह लेकर विवाद का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने पर पुलिस मामले में मुकदमा दर्ज कर एक आरोपी को हिरासत में लेकर विधिक कार्रवाई में जुट गई है। हरदोई में पिकअप डाला चालक की जमकर पिटाई कर दी गई। बाइक सवार उनके साथियों ने मिलकर पिटाई की है। पिकअप डाला से बाइक में टक्कर लगी थी। टक्कर लगने से विवाद हुआ, फिर मारपिटाई हुई है। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। शहर कोतवाली क्षेत्र के 52 रोड पर यह पिटाई हुई। बुलंदशहर के भाजपा सदर विधायक प्रदीप चौधरी ने बेबाक टिप्पणी करते हुए कहा कि जनपद में भ्रष्टाचार का काम नहीं चलेगा, फिर चाहे कोई कितना भी बड़ा माफिया क्यों ना सही, कितना ही बड़ा ठेकेदार सही, उसके यहाँ 1% भी नहीं चलेगी। जो जनता चाहेगी काम वही होगा। जनता की शिकायत पर मौके पर पहुंचे भाजपा के सदर विधायक प्रदीप चौधरी शहर में सिविल लाइन के काम में लीकेज और प्रोजेक्ट मैनेजर द्वारा लोगों से अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने को लेकर विधायक से शिकायत हुई थी। भाजपा विधायक के पहुंचने से मौके पर प्रोजेक्ट मैनेजर नहीं आए। रुद्रपुर में करीब 3 महीने से मोबाइल चोरी की घटनाएं सामने आ रही हैं। इसके बाद एसओजी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 101 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। कीमत 15 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने जिन लोगों के मोबाइल फोन खोए थे उन्होंने पुलिस में शिकायत की थी, उनको मोबाइल लुटा दिए गए हैं। अपने खोए मोबाइल की उम्मीद छोड़ चुके लोगों ने जब अपने फोन देखे तो उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। सहारनपुर के एसएसपी आकाश तोमर के निर्देश थाना गंगोह में एक बहुत ही पुराना क्रिमिनल था जो हरियाणा का रहने वाला के नामी कुख्यात बदमाश हरियाणा निवासी सिकंदर को पुलिस ने मुठभेड़ में गिरफ्तार कर दिया। इसके कब्जे से अवैध तमंचा, 2 जिंदा कारतूस, 1 खोखा कारतूस, बिना नंबर की बजाज प्लस मोटरसाइकिल। और सहारनपुर के एसएसपी आकाश तोमर ने बताया कि कुख्यात बदमाश सिकंदर को थाना गंगोह पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम ने संयुक्त रूप से मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया। थाना गंगोह में एक बहुत ही पुराना क्रिमिनल था जो हरियाणा का रहने वाला था। उसने हरियाणा के विभिन्न जिलों में और जनपद सहारनपुर के गंगोह में भी क्राइम किया था और गंगोह में वो पिछले 4 साल से वांटेड चल रहा था। इसके ऊपर 25,000 का भी इनाम था। इसकी भी मुठभेड़ में गिरफ्तारी हुई। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।